तो अगर आप भी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस से परेशान हैं और खुश नहीं है तो गवर्नमेंट आपके लिए एक नया ऐप लेके आई है जिसका नाम संदेश है, संदेश नहीं संदेश है, और ये व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में कि कैसा है ये ऐप और क्या ये व्हाट्सएप का असल में रिप्लेसमेंट बन सकता है या नहीं। तो मैं हूं शुभम राउत एंड वेलकम टू आज का टेक्स्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले काफी टाइम से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी चेंजेस को लेकर डिस्कशन चल रहे थे और गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट थी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक नया ऐप लेके आ गई है सामने। हालांकि एक नया ऐप नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बनाया गया था और वो काफी टाइम से इसे यूज कर रहे हैं और रिसेंटली इसे पब्लिक डोमेन में डाला गया है। और पब्लिक डोमेन में डालने का मतलब ये है कि अब इसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ हम और आप जैसे लोग भी इसे यूज कर पाएंगे। अब ये ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पे तो अवेलेबल है, आप उसमें डायरेक्ट जाके इसको सर्च कर सकते हो SANDES लिख के, क्योंकि एच नहीं है इसमें, इसको संदेश ही पड़ेंगे। लेकिन ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो इसको कैसे अगर डाउनलोड करेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहाँ पे जाके लिंक पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस लिंक पे जाके बेसिकली आपको एंड्रॉइड वर्जन इसका डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉइड या फिर iOS का, तो आपको एंड्रॉइड वाला डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। यह पूरी तरीके से इंडियन ऐप है क्योंकि इसको डेवलप किया है NIC ने, जो कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, और इसे डिजिटल इंडिया के अंडर बनाया गया है। अब मैं इसका सेटअप आपको दिखा देता हूँ, आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो किस तरीके से आपको इसको सेटअप करना है। वैसे काफी ईजी है, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो ऐप स्टोर से, यानी कि अगर आप एक iOS यूजर हो तो आपके जो ऐप का आइकन है उसमें आपको संदेश दिखाएगा, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड में से यूज करोगे इंस्टॉल करोगे तो जो ऐप का आइकन है उसमें संदेश की बजाय यहाँ पे GIMS लिखाएगा, जो कि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम नाम से है। तो ये एंड्रॉइड और iOS में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे इसके नाम का, लेकिन जब ये शायद प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा तो शायद ये सीधे सीधे संदेश नाम से ही अवेलेबल होगा। तो आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में कुछ परमिशन देखने को मिल जाएंगे, कुछ बेसिक परमिशन जो कि हर एक ऐप लेता है, तो आपको इस ऐप को भी वो परमिशन दे देंगे। और परमिशन देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी से साइन अप करने का। तो यहाँ पे आपको हालांकि ऑप्शन दोनों देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप ईमेल आईडी से साइन अप नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपके पास .gov.in वाली ईमेल आईडी है तो ही आप साइन अप कर सकते हो, वरना आपको फोन नंबर ही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बनाया गया है इसलिए हम लोग इसे फोन नंबर से ही यूज करेंगे। फोन नंबर डालने के बाद आपके पास OTP आएगा जिसे कि आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसमें आप अपना नाम सेटअप कर सकते हो, अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रोफाइल फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास लोकेशन परमिशन ये मांगेगा और आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह को सिंक करने की परमिशन मांगेगा, तो आपको वो कर देना है इसमें, और उसके बाद ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो कि काफी सिंपल सा है, मिनिमल सा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी सेटिंग्स में भी अभी आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि सेटिंग्स में जाके आप ये इन्फो सर्विस जो यहाँ पे अवेलेबल है इस पे आप देख सकते हो। ये इनका चैट बॉट है जिसपे कि आप चैट कर सकते हो इनके चैट बॉट, जैसे कि आप इसमें हेल्प लिख सकते हो और हेल्प के बाद इसमें आपको फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस या फिर इसके जो क्विक रिव्यू गाइड वगैरह होती है आपको इसके बारे में बता देगा। आप ये सारी चीजें इसमें देख सकते हो। आप चाहे तो चैट बॉट से किसी सिटी का, अपनी सिटी का वेदर या बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पूछ सकते हो और ये आपको बता देगा यहाँ पे कि आपके सिटी का वेदर कैसे है, और आप बाकी चीजें भी इसमें ट्राई कर सकते हो। जिसमें मैसेजिंग में आपको दो चीजें देखने को मिल जाती है यहाँ पे, कि एक आप यहाँ पे टैग्स यूज कर सकते हो अपने मैसेज के साथ, और आप इसमें इमोजीज यूज कर सकते हो। तो इस ऐप में आप मैसेज करने के साथ साथ मैसेज के साथ कुछ टैग्स लगा के भेज सकते हो, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल है, प्रायोरिटी है और ऑटो डिलीट वाले जो टैग्स है वो इसमें अवेलेबल है, जो आपको बाकी ऐप्स में यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप इसमें वो टैग्स यूज कर सकते हो, हालांकि अभी सिर्फ 3 टैग्स है, आने वाले टाइम में और भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल मैसेजिंग ऐप्स की तरह यहाँ पे इमोजीज तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इमोजीज के नाम से यहाँ पे जिमोजीज अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये काफी सिंपल से है। हालांकि इसमें जो नॉर्मल इमोजीज है उस तरीके के नहीं है, काफी अलग टाइप के हैं, आप इसमें देख सकते हो किस तरीके से है। तो इसमें नॉर्मल इमोजीज तो नहीं है, जो हंसने रोने वाले टाइप के इमोजीज होते हैं वो तो नहीं है इसमें, लेकिन जिमोजीज इसमें अवेलेबल है, जो कि आप ट्राई कर सकते हो देखने के लिए। इस ऐप के ग्रुप्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फीडबैक्स वगैरह देने वाले ग्रुप्स यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप ऐप के लिए फीडबैक दे सकते हो। इसके अलावा इसकी सेटिंग्स में भी अभी ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि आपको यहाँ पे बैकअप वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी चैट्स वगैरह का बैकअप कर सकते हो। बाकी ऐप बहुत ही ज्यादा मिनिमल है और इसमें बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीज है, सेटिंग्स में भी ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ऐप सेटिंग में आप जाके देखोगे तो यहाँ पे मीडिया फाइल्स को ऑटो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ऐप सेटिंग में और कुछ भी ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है। इस ऐप में आपको बेसिक वॉइस एंड वीडियो कॉल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है,
तो ओवरऑल काफ़ी सही लगी मुझे ये ऐप, मतलब ठीक ठाक ऐप है क्योंकि आप इसे ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये है तो इसका डेटा कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला, तो आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हो एक बार के लिए। बैट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है वो ये है कि ये ऐप व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट है या नहीं है और व्हाट्सएप के अगेंस्ट ये कहाँ पे स्टैंड करता है। तो मेरा इसके लिए जो पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन है वो ये है कि ये जो ऐप है वो व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, हालांकि एक सही ऐप है, काफ़ी मिनिमल सा ऐप है, आप इसको जाके यूज करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसे व्हाट्सएप के राइवल के तौर पे यूज नहीं किया है और उन्होंने जो इसको लॉन्च किया है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए लॉन्च किया है, इसीलिए ऐप काफी मिनिमल सा है। गवर्नमेंट ने इसको कहीं भी इस तरीके से प्रमोट नहीं किया है कि ये व्हाट्सएप का राइवल है, व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट है। इसकी कंपैरिजन व्हाट्सएप से करना अभी बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये बहुत ही अनफेयर से कंपैरिजन है क्योंकि ये ऐप बिल्कुल ही नया नया आया है और व्हाट्सएप मार्केट में काफी सालों से टिका हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई ये बोलता है कि ये जो ऐप है वो व्हाट्सएप का राइवल है या फिर रिप्लेसमेंट है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका एग्जिस्टिंग ऐप है यानी कि इस केस में जो व्हाट्सएप है उसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो कहीं ना कहीं उससे बेटर होना चाहिए, तभी आप उसके जो यूजर बेस है उसको शिफ्ट कर पाओगे। हालांकि जैसे आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा टेलीग्राम और सिग्नल में काफी सारे यूजर्स ने शिफ्ट किया है, लेकिन वो भी ऐप दोनों के दोनों इतने ज्यादा बेटर नहीं है कि व्हाट्सएप को पूरी तरीके से रिप्लेस कर पाए। तो अभी के लिए ये व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, तो फ्यूचर अपडेट्स के साथ ये ऐप धीरे धीरे बेटर होता रहेगा तो वो हम देखेंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट भी इसको व्हाट्सएप के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज नहीं कर रही है, तो आगे आने वाले टाइम में इसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूंगा। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस ऐप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी अवेलेबल है, ये बताना भूल गया था। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।